हेलो फ्रेंड्स, किचन मिल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। आज मैं आपको चॉकलेट केक में दो चीज़ बताऊंगी, उसका बेस कैसे बनता है, उसकी आइसिंग कैसे तैयार की जाती है। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहना, जिससे आपके कोई भी स्टेप्स मिस ना हो। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं केक बनाना। एक बॉल लेंगे, 3 टेबल स्पून पाउडर शुगर डालेंगे। मैंने इसका नाप लिया है, 3 टेबल स्पून पाउडर शुगर है, 3 टेबल स्पून ही बटर है। दोनों को मिक्स कर देंगे। अब इसको अच्छे से बीट करेंगे। इसको 2 मिनट तक बीट करेंगे, जिससे बटर और शुगर दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए कितना लाइट और फ्लफी हो गया है। मैंने 200 ml इसमें कंडेंस्ड मिल्क लिया है। इसको भी अच्छे से बीट करेंगे। इसको भी 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। एक कप मिल्क डालेंगे, 5-6 ड्रॉप्स वनीला एसेंस। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। ये मिक्स हो गया है। एक बॉल में एक चलनी लगाएंगे। 1 कप मैदा लिए, मैदा डाल देंगे इसमें। 1.5 स्पून बेकिंग पाउडर, 1.5 स्पून बेकिंग सोडा। चॉकलेट केक बना रहे हैं तो कोका पाउडर तो जाएगा ही। 2 टेबल स्पून कोका पाउडर, इसको इसमें छान लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको ऐसे ही बीट करेंगे। केक के बैटर को जितना बीट करते हैं केक उतना ही स्पंजी बनता है। चार मिनट हो गए हैं, इसको एक साइड में रख देंगे। एक केक टिन लेंगे, इसमें चारों तरफ बटर लगा देंगे। बटर इसलिए लगाते हैं जिससे केक चिपके नहीं, आसानी से डीमोल्ड हो जाए। इसको 3/4 भरेंगे। मैंने इसको 3/4 भर लिया है। इसको हल्का सा टैप कर देंगे जिससे इसमें कोई एयर बबल्स ना रहे। इसको एक रैक पर रख लेंगे। मैंने माइक्रोवेव को पहले से प्री हीट किया हुआ है 180 डिग्री सेल्सियस पर। इस केक के बैटर को माइक्रोवेव में रख देंगे। तीस से 35 मिनट के लिए इसको बेक होने के लिए कन्वेक्शन मोड पर रख देंगे। थर्टी मिनट्स हो गए हैं, चेक करते हैं केक बनाए नहीं। सेंटर में टूथपिक डालकर चेक करेंगे केक रेडी हुए हैं या नहीं। टूथपिक एकदम क्लियर निकली है, इसका मतलब केक बन चुका है। इसे 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे इसको डीमोल्ड कर सके अच्छे से।
केक को हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। देखिए कितना स्पंजी बना है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको पूरा अच्छे से ठंडा होने देंगे, तब तक हम बाकी तैयारी करते हैं केक की। फ्रेंड्स, केक अपना पूरा ठंडा हो गया है अच्छे से। अपन इसकी आइसिंग की तैयारी करते हैं। आइसिंग बनाने से पहले मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। आइसिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम जिस बॉल में अपन आइसिंग बनानी है, इसके लिए केक के लिए जो क्रीम बनानी है, उसको अपन फ्रीजर में 15 मिनट के लिए एकदम चिल्ड होने के लिए रख देंगे, जिससे बॉल एकदम से ठंडा रहेगा। क्योंकि जब आइसिंग बनाते हैं तो उसको बीट करते करते वो मेल्ट हो जाती है, मौसम अपना गर्म रहता है तो वो पूरा पिघल जाती है क्रीम, तो उसके लिए बॉल चिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बॉल को पहले से ही ठंडा करके रखा हुआ है। दूसरे बॉल में हमने अमूल फ्रेश क्रीम ली है, उसके दो छोटे छोटे पैकेट का थिक पार्ट क्रीम का निकाला हुआ है। थिक पार्ट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पहले मैरीगोल्ड बिस्किट की पुडिंग में बताया हुआ है। उसका पानी पानी अलग कर लेते हैं, उसका थिक पार्ट लेते हैं। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूँगी, आप उससे देख लीजिएगा। इसमें मैंने 4 चम्मच पाउडर शुगर डाला है। लोग अक्सर गलती करते हैं कि इसमें अमूल क्रीम को पूरा ले लेते हैं, लेकिन इसमें थिक पार्ट ही लेना है। फिर दोनों को मैंने फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए अच्छे से रखा हुआ है। ये मैंने पहले से ही ठंडा किया हुआ है इसको। अब बनाते हैं अपन आइसिंग। इस क्रीम को हम इसमें डाल देंगे। ये बॉल छोटा था इसलिए मैं बड़े बॉल में शिफ्ट कर रही हूँ क्रीम को। फ्रिज बीटर की हेल्प से इसको अपन बीट करेंगे, स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। देखिए आइसिंग अपनी रेडी है। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए चलाया था। देखिए कितनी सुंदर अपनी बन गई है ये, एकदम थिक हो रही है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से ही होनी चाहिए। अब इसको हम केक पर लगाएंगे, इसको चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। इस पर एक लेयर क्रीम की लगा दी है। इसको फ्रिज में 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। एक बॉल में थोड़ी सी क्रीम लेंगे, बाकी को हम फ्रिज में रख देंगे। इसमें 2 चम्मच कोका पाउडर ऐड करेंगे तो चॉकलेट फ्लेवर बनाएंगे इस क्रीम का। आपको जितना डार्क चाहिए लाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग कोका पाउडर डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है, आप देख पा रहे हैं इसका चॉकलेटी कलर हो गया है पूरा। एक जार के ऊपर पाइपिंग बैग लगाएंगे, इसमें इस क्रीम को फिल करेंगे। चॉकलेट केक है तो चॉकलेट का फ्लेवर ही आना चाहिए पूरा। इसको हाफ फिल करेंगे। पहले जो व्हाइट क्रीम लगाई थी वो भी सेट हो गई है। अब इस पे आप अपने कोई सी भी डिजाइन बना सकते हैं।
मैंने डार्क चॉकलेट को थोड़ा सा चूरा बनाया हुआ है इसका, इस तरह से अपन इसके साइड में लगा देंगे। थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल देंगे सेंटर में। मेरे पास चौको चिप्स हैं, एक एक चौको चिप्स मैंने इसके ऊपर रख दिया है। आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, केक कैसा लगा आपको। फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट केक बनकर रेडी है। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको हमारा केक कैसा लगा। थैंक यू।